कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS में। जो है पिछली क्लास में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा, भाग एक। उसके चारों अनुच्छेदों के बारे में हमने देखा, अनुच्छेद एक, अनुच्छेद दो, अनुच्छेद तीन या अनुच्छेद चार क्या क्या कहता है। और इन सारी चीज़ों के डिस्कशन के बाद हमने आपसे वादा किया था कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और हैं जो कि अगली क्लास में हम उस पर चर्चा करेंगे, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग या भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कैसे हुआ, कौन कौन सी कमेटियां या कौन कौन सी समिति उसके लिए गठित की गई। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाली परीक्षाओं के लिए या परीक्षाओं में कई बार पीछे पूछा भी जा चुका है। जो आपको साथियों, जो मेरा चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं, और यदि आपको वो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उस पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ वीडियो है वो कैसा लगता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहेगी और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे राज्य पुनर्गठन आयोग काम करता है और कैसे जो है केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उदय हुआ। जब मैं आपको बताऊं कि ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, इस अधिनियम के तहत जो भारत के राज्य या भारत के यहाँ जो शाही राज्य थे या देसी रियासत जिन्हें आप कह सकते हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि जो देसी रियासतें भारत में शामिल होना चाहती हैं वो भारत में शामिल हो जाएं और जो रियासतें पाकिस्तान में जाना चाहती हैं पाकिस्तान में चली जाएं। ऐसा हुआ कि कुल 562 रियासतें थी, रियासतों की संख्या थी कुल 562, लेकिन इन 562 रियासतों में जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो रियासतें आती थी, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो रियासतें आती थी वो थी कुल 552। तो 552 भौगोलिक जो रियासतें थी वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आती थी, तो 552 में से तो 549 ने बड़ी आसानी से भारत में वो शामिल हो गई। 549 तो भारत में बड़ी आसानी से शामिल हो गई, लेकिन तीन रियासतें ऐसी थी जो समस्या उत्पन्न की बाद में, हालांकि ये धीमे भारत में शामिल हुई। वो तीन रियासतों में मैं नाम बता दूं आपको, एक तो था जम्मू कश्मीर, जो दूसरी रियासत थी वो हैदराबाद, और तीसरी जो रियासत थी वो जूनागढ़। ध्यान दीजिए, इन तीन रियासतों के विलय में भारत सरकार को प्रयास करना पड़ा, हालांकि आगे आने पर ये रियासतें भारत में विलय हो गई। तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी, परंतु वहां पर राजा हरि सिंह वहाँ पर राज करते थे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो राजा हरि सिंह थे, लेकिन यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन वो क्या थी, वो मुस्लिम थी। हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद में अधिकतर हिंदू थे, लेकिन यहाँ का जो था राजा वो निज़ाम थे। और जूनागढ़ में की बात करेंगे तो जूनागढ़ की भी पॉपुलेशन जो थी वो क्या थी, हिंदू थी ज्यादातर, और यहां का राजा था महावत खां। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये तीनों जो देसी रियासतें थी इन्होंने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। इन तीनों को कैसे कैसे मिलाया गया, तो जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र या संधि पत्र के द्वारा भारत सरकार और 1947 में भारत सरकार और यहाँ के राजा हरि सिंह के साथ मिला लिया गया, इनके विलय पत्र के साथ। हैदराबाद को पुलिस बल से मिला लिया गया और जूनागढ़ को
जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा भारत में इन तीनों रियासतों का विलय कर लिया गया। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसी क्रम में और समझते हैं आगे की चीजें। आगे होता यूं है बच्चों, बात को समझिए, आगे यूं होता है कि जब रियासतों का विलय हो गया तो पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गया। तो भारत में जब रियासतों के एक हो जाने के बाद, भारत उस समय मैं आपको बात बताता हूं 47 में स्थिति थी कि भारत चार प्रकार के राज्यों में था, क ख ग और घ, ये चार पार्टों में राज्य बटे हुए थे। और कुल राज्यों की संख्या अगर आप पूछेंगे, कुल राज्यों की संख्या अगर आप पूछेंगे तो कुल राज्यों की संख्या उस समय 29 थी। क राज्य में वो राज्य आते थे जहां पर ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा शासन किया जाता था, ख में वो राज्य आते थे जो विधानमंडल, यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं, क में जो राज्य आते थे 9 राज्य आते थे, भाग क में 9 राज्य आते थे और यहां पर ब्रिटिश का शासन चलता था। जो भाग ख था यहां पर विधानमंडल, यहां पर विधानमंडल वाले राज्य थे, इसमें भी 9 राज्य थे, में शाही राज्य थे और कुछ चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, और भाग ग में केवल अंडमान और निकोबार जो है राज्य था। इन राज्यों की कुल संख्या 29 थी। ठीक है, 1950 के पहले की ये स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अब समझिए कि जो रियासतों का भारत में विलय हो गया, अलग अलग राज्य अलग अलग प्रांतों का भारत में क्या हो गया, विलय हो गया। इस विलय के कारण अलग अलग क्षेत्रों में विशुद्ध रूप से अस्थाई था रियासतों का एकीकरण भारत में, तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए जो है पुनर्जोर मांग होने लगी। और इसी को देखते हुए जो केंद्र सरकार थी इसने एक समिति बनाई जिसे कहा गया धर समिति। कौन सी समिति कहा गया, इसे धर समिति, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आप इसको समझिएगा। ठीक है, धर समिति एस के धर की अध्यक्षता में एक धर आयोग या एक धर समिति बनाई गई, और ये बनाई गई जून 1948 में ये समिति बनाई गई। और इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है इसने दिसंबर 1948 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, ये जो है फॉर्म्ड हुई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म्ड हुई और रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट दी। ठीक है, रिपोर्ट दी और वो दिसंबर 1948 ईस्वी में। बच्चों ये जो धर समिति थी, एस के धर समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या, इसने रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो भाषा की जगह क्या होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर, भाषा की जगह प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। एसके धर समिति जो है धर समिति बनी 1948 में जून और रिपोर्ट दी दिसंबर 1949 में, और इसने राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें कहा कि इनका जो है भाषा की जगह प्रशासनिक आधार या प्रशासनिक कारक होना चाहिए। लेकिन बाद में विरोध हुआ और केंद्र सरकार ने इसकी रिपोर्ट या इसकी स्वीकृति नहीं की। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं, इसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई। इसके बाद कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी थी जेवीपी आयोग बनाया। इसका जेवीपी का बड़े मान्य है, जे से होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जे से होगा जवाहरलाल नेहरू
वी से होगा वल्लभ भाई पटेल, वी से होगा वल्लभ भाई पटेल, और पी से होगा पट्टाभी सीता रमैया। ये जेवीपी आयोग या समिति थी, जेवीपी समिति में 3 सदस्य थे और पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पट्टाभी सीता रमैया। ये जो कमेटी बनी वो बनी फॉर्म्ड हुई दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति जो है फॉर्म हुई, और इसने अपनी जो रिपोर्ट है उसे सौंपा अप्रैल 1949 में। क्लियर है? कांग्रेस ने जेवीपी आयोग बनाया जिसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, और ये कमेटी जो फॉर्म्ड हुई वो दिसंबर 1948 में हुई तथा इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की अप्रैल 1949 में जेवीपी समिति ने। और बच्चों ये जो है समिति है, ये समिति ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। इसने कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए वो किसके आधार पर होना चाहिए, लैंग्वेजेस या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इसने जेवीपी में अपनी रिपोर्ट में इस चीज को जो है किया, ठीक है। बाद में मैं आपको बता दूं कि भाषा के आधार पर जब राज्य बनाने की बात हो गई तो आप समझिए कि 1953 में मद्रासी और तेलुगु भाषी राज्यों को अलग करने के बाद 1953 में मद्रासी और तेलुगु राज्यों को अलग करने के बाद मैं बता दूं जो है केंद्र सरकार ने क्या किया कि मद्रास व तेलुगु भाषी राज्यों को अलग कर दिया। मद्रास व तेलुगु भाषी राज्यों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और इसके बाद आंदोलन होने लगे, भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए आंदोलन होने लगे। और इसी क्रम में आंदोलन में एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, बहुत फेमस आदमी है, इनका नाम आएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता थे और इन्होंने लगभग 56 दिन की भूख हड़ताल की। कितने दिन की? 56 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की, और इनका नाम था पोट्टी श्री रामलु। 56 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की, और पोट्टी श्री रामलु ये कांग्रेस कार्यकर्ता थे, और इनकी मृत्यु भी हो गई, और भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा। और मजबूर होने के बाद उन्होंने 1953 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया। कौन सा राज्य? प्रथम राज्य का गठन किया और वो राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश राज्य था। एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठन किया जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, उत्तर क्या मारेंगे? आंध्र प्रदेश मारेंगे। और कब? 1953 में जो है भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सभी राज्यों में पुनर्जोर मांग उठने लगी कि सभी राज्यों को जो है भाषा के आधार पर
क्या कर दिया जाए, सभी राज्यों को भाषा के आधार पर गठित कर दिया जाए। अलग अलग राज्य अपने अपने भाषा के आधार पर वो मांग करने लगे। इसके बाद सरकार ने और भी कई कमेटियां बनाई और सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए कमेटी बनाई और वो कमेटी बनाई फजल अली आयोग। कौन सी आयोग बनाया? इसने बनाया फजल अली आयोग। ठीक, फजल अली आयोग गठित किया गया। ठीक है, फजल अली आयोग आया कब? 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग आया और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की 1955 में। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? 55 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस फजल अली आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। कुल कितने सदस्य थे फजल अली आयोग में? 3 सदस्य थे। और वो 3 सदस्य थे कौन? के एम, पहले सदस्य थे के एम पाड़िक्कर, के एम पाड़िक्कर पहले सदस्य थे और दूसरे सदस्य जो थे वो थे एच एन कुंजरू। दूसरे सदस्य जो थे वो थे एच एन कुंजरू। और पहले सदस्य तो ये थे फजल अली, पहले व्यक्ति ये फजल अली आयोग। 1953 में गठित हुआ, दिसंबर 1953 में गठित हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। 3 सदस्य बनाए गए, के एम पाड़िक्कर और एच एन कुंजरू। और मैं आपको बता दूं कि इसी फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, इसी फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसी आयोग के अनुशंसाओं पर स्वीकृत कर दिया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद से पास कर दिया गया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद के पास करने के बाद संविधान में संशोधन किया गया और वो संशोधन था कौन सा? 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया गया और 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि 29 राज्य थे, भाग क ख ग घ में अलग अलग राज्य थे। इस 7वां संशोधन के तहत भाग क अ ख के राज्यों को मिला दिया गया और ग के राज्यों को भी मिला करके कुल जो है उनको संग्रहित कर दिया गया और उस आधार पर राज्यों का गठन किया गया। और उस समय फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत में कुल 14 राज्य, कितने? कुल 14 राज्य, 1956 की मैं बात कर रहा हूं, कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से राज्य कब कब बने, कौन कौन से राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद कौन कौन से राज्य अस्तित्व में आए, किन किन राज्यों का पुनर्गठन। 56 के बाद इधर कुछ राज्यों के मैं नाम नोट हैं इस व्हाइट बोर्ड पर। और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद इधर कुछ ही राज्यों के नाम लिखे हैं, हालांकि बहुत सारे राज्यों के नाम लिखने में बहुत टाइम टेकिंग हो जाता और अधिकतर आपको जानकारी है ही। तो कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं उनके गठन के बारे में बताते हैं कि कैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ। जैसे 1956 के बाद 1960 में जैसे बहुत सारे राज्य आंध्र प्रदेश के भाषा के आधार पर गठन होने के बाद बहुत सारे ऐसे द्विभाषी राष्ट्र जो थे जो एक दूसरे में सम्मिलित थे और वो अपने आप को अलग होने की मांग होने लगी। इसी के कारण राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत आयोग 1956 अधिनियम माफ कीजिएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर राज्यों को फिर से उनके भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया। उसमें जो पहला राज्य जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, इन दोनों पहले ये दोनों राज्य एक में थे, 1960 में अलग कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश 1971 में, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में उन्हें 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश जो पहले नीफा नगर के नाम से जाना जाता था, 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हरियाणा 1966 में,
उसी प्रकार मध्य प्रदेश 1956 में, पश्चिम बंगाल भी 1956 में, कर्नाटक जो है वो 1956 में, और गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये तो आपको पता है कि पुर्तगाली राज्य थे, तो गोवा पुर्तगाली राज्य था 1961 में इसे अधिग्रहण कर लिया गया था, 62 में ये केंद्र शासित प्रदेश बना, बाद में 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना और 25वां राज्य गोवा था। और उसके बाद इसी क्रम में धीमे धीमे राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत और भी राज्य भारत में बढ़ते गए, जैसे भारत का जो 26वां राज्य बना वो छत्तीसगढ़ बना, और वो बना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर के। किससे अलग होकर के? मध्य प्रदेश से अलग होकर के, किसके तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। भारत का जो 27वां राज्य बना वो बना उत्तराखंड, कब बना? 9 नवंबर 2000 को। किससे अलग होकर के? उत्तर प्रदेश से होकर के, 13 जिलों का कुमायूं राज्य अलग हो गया। और भारत का 28वां राज्य जो बना वो बना झारखंड, कब? 15 नवंबर 2000 को। किससे अलग होकर के? बिहार से अलग होकर के, बिहार से होकर के झारखंड का निर्माण हुआ। और भारत का जो 29वां राज्य बना वो तेलंगाना बना, किससे अलग होकर के? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, 2 जून 2014 को, जो कि भारत का 29वां राज्य था। इसके अलावा अब वर्तमान की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हाल ही में जम्मू कश्मीर जो एक राज्य का दर्जा प्राप्त किया हुआ था, उसे अब वर्तमान में जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और लद्दाख जो कि पहले इसी का भाग था उसे तोड़ दिया गया है और एक हो गया है जम्मू कश्मीर, और दूसरा हो गया है लद्दाख। दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है वो लद्दाख हो गया है, तो एक राज्य कम हो जाएगा। तो वर्तमान में भारत में अगर हम बात करें वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या है 28 राज्य है। 5 अगस्त 2019 को जो है राष्ट्रपति की अनुशंसा पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, और हटाने के बाद वह केंद्र शासित जो है राज्य बन गया था। और अब जो है वर्तमान में जब ये केंद्र शासित राज्य हो गया तो एक राज्य की कमी हो गई, तो वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है, और पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे। 7 के बाद ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। लेकिन एक बात और आप ध्यान दीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश था दादर नगर हवेली और दमन दीव। दादर नगर हवेली और दमन दीव ये दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ करके एक कर दिया गया है, और अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है कितनी? 8। अर्थात भारत में अब राज्यों की कुल संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। उम्मीद है कि आपको यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम या भाषा के आधार पर बनने वाले राज्यों का जो वीडियो है ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके इस कार्य से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर एक नई चीज़ के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।